नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार LRC को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और इस अपडेट को मैं आप तक शेयर कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे लगातार कि भैया आप बताइए LRC के बारे में, कुछ LRC के बारे में न्यूज़ दीजिए। तो एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों, आप सभी को भी ये शायद वीडियो देख चुके होंगे या फिर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में एक वीडियो क्लिप डाला है मैंने, उस वीडियो क्लिप को देखिएगा और आपको भी पता चल जाएगा आपके हर सवाल का जवाब यहां पे, जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो क्या कहा आखिर अधिकारी ने जब छात्रों ने उनसे सवाल किए कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, तो सुनिए आप भी और आप भी देखिए इस वीडियो को। तो चलिए दिखलाते हैं आपको ये वीडियो। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और IRCTC का रिक्रूटमेंट यहां पे कैसे आवेदन करना है मैंने आपको बता दिया है, इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम आपको उस वीडियो क्लिप पे ले चलते हैं जो कि आज के इस सवाल के हर जवाब मिले हैं आपको बिहार LRC से। हम लोग एक सप्ताह अगर इसके लिए रुकते हैं तो फिर हम लोग का रिजल्ट कब प्रकाशित होगा? एक महीना पहले से बीत चुका है सर। एक महीना बीत चुका है तो रिजल्ट से मतलब नहीं सर, इतनी आसान नहीं है कि तुरंत निकाल दिया जाए ना। हमको काउंसलिंग जो हम लोग करवाए हैं, कौन अब्सेंट हुआ कौन प्रेजेंट हुआ, जो 7 दिन के लिए आप पति मांगते हो 7 दिन छोड़ के आप 15 दिन मांग लीजिए, लेकिन आप हमको वो लिस्ट दे दीजिए। हम वही जो काउंसलिंग में कितना लड़का प्रेजेंट हुआ, रिजल्ट के साथ पब्लिश होगा सर। ये रिजल्ट में नहीं आता है ना, रिजल्ट लास्ट में आता है। अभी औपबंधिक रिजल्ट के साथ ही कितने लोग एब्सेंट हो गए, कितने लोग रिजेक्ट हो गए और किस कारण से रिजेक्ट हो गए, ये पब्लिश किया है सर। ये चीज अगर आता है रिजल्ट के साथ सर, तो हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहेगा। और आज के दिन में आज प्रकाशित करते हैं आप, तो हम ये तो सुनिश्चित करेंगे नहीं कर सकते प्रकाशित सर। आप तो पूरा गलत किए हैं ना सर, 35% अगर तो आपके कहने की बात है ना, हम प्रूफ दे रहे हैं ना सर। आप प्रूफ अपने हिसाब से दे रहे हैं ना, मैं तो बता ही रहा हूँ कि हम GAD का नियम है सर। देखो किसी चिट्ठी का व्याख्या करने का सबका अपना तरीका है, तुम अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हो, हम लोग अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि GAD से हम पूछ लेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे सर। कोई डेडलाइन तुम चाह रहे हो कि आज ही कर दें तो आज नहीं हो सकता सर। नोटिस बोर्ड पे कुछ लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते हैं, मैंने बताया एक सप्ताह, अब उसको लिख के मैं थोड़ी दूंगा। नहीं नहीं तो आप नोटिस बोर्ड पे सर दे दीजिएगा कि कब तक आएगा, जैसे मुख्यमंत्री कोई भी संस्थान या लिख के नहीं दे देगा कि एक सप्ताह में यह कर देंगे, 2 सप्ताह में यह कर देंगे सर। गाइडलाइन है सामान्य प्रशासन का 3 महीना। आज बताइए, जब फरवरी में मेरा वैकेंसी आया था और ये अप्रैल तक चला था, 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से अभी जोड़ लीजिए सर 3 महीना इधर पूर गया, अभी तक ना मेरा काउंसलिंग, सिर्फ काउंसलिंग हम करवाए। ये पता होना चाहिए कि 26 मई तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए क्योंकि पूरे इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट था, उसमें हमने कोई काम नहीं किया। जो काम शुरू भी किया वो मई के बाद से किया, तो कोई ज्यादा समय थोड़ी लगा है। नहीं सर, उस 26 मई में ये भी तो नहीं कहा गया था कि विभागीय तो बहाली आचार संहिता से पहले आया हुआ था, उस बीच में तो प्रोसेस पूरा कर सकते थे सर। नहीं प्रोसेस कर सकते थे ना, काउंसलिंग के लिए पहले कैसे बुला देंगे? काउंसलिंग बाद में बुलाया, लेकिन रिजल्ट तो सर अभी काउंसलिंग के पहले ही रिजल्ट सर। काउंसलिंग का जो लिस्ट है वो हमको चाहिए। काउंसलिंग का लिस्ट तो तुम्हारा लगा ही हुआ है। वो तो हो गया कि सबको आप बुलाए 250, कितना प्रेजेंट किया कितना अब्सेंट किया, ये चाहिए सर। ये हमको पता चलेगा ना कि लड़का प्रेजेंट हुआ अब्सेंट हुआ। ऐसे में तो सर आप आज 1200 लड़की UP का भर लिए हैं, पूरा UP का, कोई MP और अदर स्टेट नहीं, हम खुद वेरीफाई किया है वहाँ जाके। काउंसलिंग हॉल में सर सबसे वेरीफाई किया हम, 20 लड़का सब दिन गए हैं, आपके पास वीडियो फुटेज होगा तो देख लीजिएगा। सब दिन यूपी की लड़की आई है, 63% तक आई है, जबकि हम लोग का 70% हम लोग कैटेगरी में गिरे हुए। जो आवेदन किया होगा उसी को बुलाया गया होगा, उसके अलग किसी को नहीं बुलाया गया होगा। वो यूपी का है, MP का है, HP का है, उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं सर। 35% जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं सब जगह सब लोग जानते हैं। फिर दोबारा तुम समय बर्बाद कर रहे हो, मैंने 35% के बारे में पहले बता दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग अगर कहेगा कि ऐसे नहीं होता है तो नहीं करेंगे। एक ही बात को क्यों बार बार सर? एक और था मेरा, 40% रिजर्वेशन जो राजकीय पॉलिटेक्निक को दिया जाता है, उधर सामान्य प्रशासन आपको गाइडलाइन दे चुका है कि न वहाँ हॉरिजेंटल है न वर्टिकल है, फिर आपको हॉरिजेंटल लिख नहीं, हॉरिजेंटल ही है सर, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं गाइड में। आप जाके सामान्य प्रशासन विभाग से बात कर सकते हैं सर, हम वहीं से लेके आए। सामान्य प्रशासन विभाग से डेट टू डेट बात करते हैं,
ठीक है, सर को गजट दिए अभी कहाँ, उसके बाद भी अगर कोई समस्या होगी कि हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है तो फिर हम लोग इस पर भी सामान्य प्रशासन विभाग से फिर से एक बार पूछ लेंगे। इसका जो अभी आप सामान्य प्रशासन से 35% वाला बात कर रहे हैं, 40% वाला बात कर रहे हैं, ये दोनों का सर कोई डेट बताया तो एक सप्ताह, तो वही बताया था तो एक सप्ताह बाद फिर हम लोग आके आपसे मिले सर। कोई जरूरत नहीं है, वेबसाइट देख सकते हैं आप लोग, अगर नहीं आया तो सर अनावश्यक इतना लोगों को इकट्ठा करके इनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं सर, सब अलग अलग है, हम लोग पता रहता है फोन पे, ठीक है, एक सप्ताह का समय बता दिया गया पहले। एक मिनट, कुछ सर से और क्वेश्चन है, और ये जो सर आप बुलाए हैं इतना सारा, और ये काउंसलिंग लिस्ट हम लोग का कब तक आ जाएगा सर, जो विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो काउंसलिंग में कितना पड़े औपबंधिक सूची सर, औपबंधिक सूची ड्राफ्ट लिस्ट सर, जो आज इसके हम एक महीना और लगेगा, इसका नोटिस सर वेबसाइट पे दीजिएगा सर, क्या चीज़ ये एक महीना और इसमें नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया हम लोग को तो अधिकार नहीं है सर जानने का, रिजल्ट कब निकालेंगे कितने दिन में ये कैसे बता रहे हैं, हम लोग को जरूरत है आपसे ज्यादा, हम लोग को जरूरत है, हमारे सामने ये चुनौती है कि जल्दी से जल्दी सर्वे शुरू कराएं, आप जितना चिंतित हैं उसका पांच गुना हम, ऐसा तो नहीं आप में देखा गया, हम जनवरी से आ रहे हैं आप जानते होंगे सर, जनवरी से आपसे पहले बहाली के बारे में पूछते थे, एक महीना पहले, एक महीना कंटिन्यू पूछे, आप बार बार यही जवाब दिए कि मेरे पास कोई बहाली नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी हर एक जगह जाके मेरे कॉलेज में भी आए थे, वहाँ पे भी कह रहे हम 32,000 बहाली दे रहे हैं। जब तक कोई चीज कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो जाती है तब तक हम लोग उसको कुछ नहीं कह सकते, तीन बार कैबिनेट अप्रूव, अगर कोई भी पब्लिक के बीच में माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं वो एक अलग जगह है, लेकिन हम तभी कह सकते हैं जब कैबिनेट से अप्रूव, कैबिनेट तो तीन बार हुआ है सर मेरे पास, जब कैबिनेट हो गया है तब हम लोगों ने उसको पब्लिश किया है, बताया है, ऐसा तो है नहीं कि कैबिनेट का निर्णय छुपा हुआ रहता है, ठीक है सर, हम लोग का रिजल्ट जितना भी लड़का है सबका मांग है कि बिहार की जो महिला है, देखो मांग से कुछ नहीं होता, सरकार की पॉलिसी से होता है, सरकार आपकी मांग अपनी जगह है, अगर है सरकार कहेगी कि नहीं ऐसे होना चाहिए, यह पॉलिसी है रिजर्वेशन की, हम वही करेंगे, इसका पारदर्शिता दिखाइएगा ना कि हाँ सरकार ने ये बताया। अच्छा, अब तक जितनी लिस्टें पब्लिश की गई हैं, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे नंबर होगा, किसका कितना नंबर है, ये सारा पब्लिश किया गया है कि नहीं, लेकिन इसमें एक गुप्त रखा गया है सर, एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे हल होगा सर, पंचायती राज डिपार्टमेंट आप ही का अभिन्न अंग है, आप ही के जस्ट आता, उन्होंने जारी किया, अब इसके हिसाब से तो फिर जितने लोग जो भी एप्लीकेशन दिए सारा का सारा हम ओपन कर देते, ओपन करते तो हमने सर आज पता चलता, जब बुंदेलखंड फर्जी था चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी, आप उस पे काउंसलिंग में कार्रवाई नहीं किए, और आज के दिन में सर आज भी नहीं कीजिएगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा कौन बुंदेलखंड से आया है, कौन कहीं से आया है, तो ऐसे में तो धांधली हो जाएगा सर। नहीं ठीक है, देखो धांधली रोकने का पूरा हम लोग उपाय कर रहे हैं, अगर आप लोग को लगता है कि सारे आवेदन पत्र ओपन होने से बिल्कुल पार्शियलिटी हो जाएगी तो हम लोग विचार करते हैं उसको भी करने का, देखते हैं लीगल एडवाइस ले लेते हैं, अगर ये संभव होगा तो ये भी कर देंगे सर, एक सप्ताह हम लोग इसका जो जो गलत है वो गलत ही रहेगा, ठीक है, उसको छुपा सकता है कोई भी आदमी, अधिक से अधिक एक दिन छुपाएगा, 10 दिन छुपाएगा, ऐसा तो नहीं है, वो बात हमारे कार्यालय से भी निकल जाएगी, आप लोग को भी पता चल जाएगी, ऐसे छुपाने से नहीं छुप जाएगा कि हमने छुपा लिया और कोई छुपा के अपना बिल्कुल बुंदेलखंड का आके यहाँ जॉब कर रहा है। सर एक और बात है, जो काउंसलिंग लिस्ट प्रकाशित होगा हम लोग का, तो हम लोग का इतना विलंब क्यों लग रहा है सर, जो काउंसलिंग जो पायलट पेरिट्री इसलिए विलम्ब लग रहा है, अलग अलग पद का, जैसे 275 पद है, 550 और भी है, अमीन का भी है, तो हम दोनों का एक साथ कंसीडर करेंगे ना, और इसमें कम से कम महीना भर लगेगा, आज ही बता दे रहे हैं आपको, अब इस पर फिर ना कल चले आना बताइए कब होगा। नहीं नहीं सर, इसमें हम लोग का कहना था कि जब आप वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं जो AICTC लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग, तो लिस्ट सर अभी फिलहाल में क्यों नहीं प्रेजेंट हो सकती, इसलिए क्योंकि पहले ASO और कानून को का होगा, पहले उनका जब कंप्लीट हो जाएगा तभी उनका काम शुरू होगा, ऐसा नहीं कि सारा एक ही साथ कब तक हो जाएगा सर, फिर एक बता रहे हैं कि एक सप्ताह 10 दिन के अंदर ये पब्लिश हम लोग करेंगे, सिर्फ सर हम लोग का रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी कर रहे हैं सर थोड़ा सा एक गाइडलाइन में आप अपने वेबसाइट पे सर डाल दीजिए, जिससे हम लोग में क्या 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 कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ऐसे में सर पता चल डे टू डे हम लोग क्या कर रहे हैं ये डाल रहे हैं, ये थोड़े पे कर रहे हैं, जैसे सर आप बंदोबस्त अधिकारी का देने वाले हैं सर, चाहे कानून को का देने वाले, एक डेडलाइन फिक्स करके सर वो डाल दीजिए, जैसे अभी हम लोग को बताए एक मंथ बाद देंगे सर, यही चीज आप डाल दीजिएगा, ना आपके पास सर कोई आएगा फिलहाल बीच में, ना कॉल करेगा, ये सब परेशानी, ये लोग सर लोग आएंगे, अभी बता रहा हूँ एक माह लगेगा अमीन वाले, एक माह लगेगा, हम लोग सर अगस्त के लास्ट में आए सर मिलने,
हो सकता है आने की जरूरत न पड़े, उससे पहले ही वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए। पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ, अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं होगा या नहीं ये नियम सम्मत तो नहीं करेंगे, उसमें ये बार बार यूपी एमपी की बात करने का कोई फायदा नहीं। सर एक और बात, हम लोग को नहीं पता है कौन यूपी से आया कौन एमपी से आया, एक और बात भी आएगा। पर्सनली मेरा राय है सर सबके तरफ से, कोई पर्सनली जो आप नोटिस डाले थे सर जिसमें लिखा था कि अगर कोई लड़का कैटेगरी चेंज कर लेता है रिजर्वेशन गलत फायदा उठाने के लिए, चाहे वो कॉलेज का कैटेगरी हो या कास्ट का हो, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ये आपका नियम था सर, इसको फॉलो किया जाएगा। ये रिजेक्शन वाला रूल फॉलो हो रहा है, सिर्फ एक मामले में नहीं हो रहा है, बीसी और ईबीसी में। बीसी और ईबीसी में बिहार में विशेष परिस्थिति यह है कि यहाँ कुछ जातियों को बीच में नोटिफाई किया जाता है, वो बीसी से ईबीसी में चली जाती है। जी सर, जी। तो कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट को भी नहीं पता है कि हमारी जो जाति है वो ईबीसी में है, वो बीसी बन के आता है लेकिन पता चलता है कि नहीं वास्तव में सरकार ने उसकी जाति को ईबीसी में रखा है, उसको हम लोग वाइस वर्सा चेंज करते हैं, बीसी ईबीसी में जाएगा, ईबीसी बीसी में जाएगा। तो दोस्तों आपने यहां देखा कि आपके हर सवाल का जवाब लगभग यहां मिल चुका है, तो कुछ नहीं एक महीने का इंतजार कीजिए और एक महीने के बाद आपको यहां पे सारा डिटेल आपका रिजल्ट मिल चुकेगा। ठीक है, तो कोशिश यहां पे जारी है सबकी, सभी ने यहां आवेदन किए, गए पदाधिकारी से मिले और आपके लिए भी यहां पे कुछ जवाब आ चुके हैं, तो थैंक्स कीजिए उन अभ्यर्थियों को जो आपके लिए आगे जाकर उनसे चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो चलिए, अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, तो अपने हक के लिए मांग करना भी गलत बात नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।